G1 प्लस ing मतलब इक्वल टू G4 प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब, तो 2 प्लस G1 क्या हो गया? इन्फिनिटिव। V1 प्लस ing क्या हो गया? V1 प्लस ing। अभी पार्टिकल की बात नहीं की है, सिर्फ इन्फिनिटिव और जेनरेट की बात की है। क्या हो जाएगा? और ये सेंटेंस की शुरुआत में है, यानी वर्ब से पहले है, वर्ब है यानी वर्ब से पहले है, चाहे ये हो चाहे ये हो, वर्ब से पहले है तो ये क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ये भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जब सब्जेक्ट का काम करेगा, इसका मतलब है कि ये नाउन का भी काम कर सकता है। बस होना है, यानी इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का काम किया तो या तो सब्जेक्ट के स्थान पे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये काम क्या कर रहा है? नाउन का कर रहा है। अच्छा, ये भी क्या कर रहा है? नाउन का कर रहा है। और यहां पे ऑब्जेक्ट ये सब लोग सुन रहा है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आए, राइट। अब जब नाउन आ गया, नाउन की क्लैरिटी हो गई, तो हमने लिखवाया है कि हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होता है, इसलिए वहां तो सिंगुलर वर्ब आया। तो ये कैसा होगा? पर्सन कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब। ये भी पर्सन कैसा होगा? सिंगुलर। तो जब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। स्ट्रक्चर समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? पूरी डिटेल्स जैसा बताया वैसे ही आपको लिखना, और उसके बाद एग्जांपल लिखिए। टू बहुत ही आसान सेंटेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टू स्विम या ऑब्लिक स्विमिंग इज अ गुड गुड एक्सरसाइज फॉर फॉर हेल्थ। स्विमिंग या टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। टू स्विम क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट का काम करेगा, नाउन है, हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए क्या आ गया? इज आ गया। और स्विमिंग क्या हो गया? ये जेनरेट हो गया, राइट। सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंटेंस के वर्ब से पहले आया है, सिंगुलर होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यानी इसका मतलब ये है कि दो सेंटेंस हैं और दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। एक में 2 प्लस v1 और एक में v1 प्लस ing लगा है, दोनों का एक ही मतलब हो, दोनों को ट्रांसलेट करेंगे तो एक ही मतलब होता है कि तैरना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, या स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा अभ्यास है, राइट। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आने के लिए हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो डायरेक्ट नाउन नहीं आया, नाउन का सिक्योरिटी प्रश्न ला लिया, तो नॉन का सिक्योरिटी प्रश्न ला लिया, तो आर्टिकल को हमने देखा, तो आर्टिकल को देखने से पता चल गया कि नॉन होगा ही होगा, क्योंकि नॉन आर्टिकल जो है नॉन के होने की गारंटी लेता है। उसके बाद हम आगे गए, देखिए गुड है, लेकिन गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। जब गुड एडजेक्टिव है तो गुड्स क्या है? गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, ट्रक में लिखा हुआ रहता है जी, गुड्स के लिए। गुड्स क्या है? उसमें देखिएगा कि गुड्स के लिए लिखा हुआ रहता है, यानी वहां पे क्या हो गया? ये जब एडजेक्टिव में एस लग जाए, कुछ खास प्रकार नॉन के स्पेशल यूज में जब पढ़ेंगे
जब हम नॉन कट टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तब अभी तो हम लोग 20 से पहले इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन इतना शानदार तरीका है, आपको लगेगा कि सब टॉपिक कुछ कुछ पढ़ लिए और आसानी से क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, हल हो जा रहा है। ये जब एस लग जाता है ये नॉन का काम करता है, और जब ये विदाउट एस आता है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी गुड बेटर बेस्ट हो सकता है लेकिन गुड्स बेटर्स बेस्ट नहीं हो सकता, बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के बाद एक्सरसाइज है, नहीं पता लेकिन आगे प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है sp2 और ये sp1 दो वर्ड। इस साइड क्या हो गया, नॉन हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का काम किया। ऑब्जेक्ट किसके लिए, इसके लिए। और फिर प्रीपोजिशन क्या है, और फुल स्टॉप भी एसपी है, दो एसपी के बीच में नॉन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्विमिंग का, और फॉर का डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका, इसका। समझ में आया, कोई दिक्कत?